श्री संतोष पांडे। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे आज कीमती समय बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। मैं सबसे पहले अपने छत्तीसगढ़ के और उन राजनांदगांव क्षेत्र के समस्त जनता का, मतदाता का भी आभार प्रदर्शन करता हूँ और आप सबके वरिष्ठों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। आप सबको हृदय से शुभकामना। महोदय, अभी कल से जब से शुरू हुआ, रात को 12 बजे तक जो चला, जिस प्रकार से अभी अखिलेश जी बोल रहे थे, और कल जब शुरुआत हुई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार की बातें की, आज जब अखिलेश जी ने एक शेर व शायरी से और गज़ल की पंक्तियों से शुरुआत की, तो मैं भी ये बता दूं कि अखिलेश जी, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो फलसफे में, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। और जितने भी यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, ये सब उसी प्रकार की बात कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष कल राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ है, भगवान शंकर है, ये आपकी फितरत में है। आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का जो निपटा दिए छत्तीसगढ़ को, और वो आकर के लोकसभा में भी निपट गए, वो महादेव जी के नाम से सत्ता चला रहे थे, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया। आपको ध्यान होगा, 6,000 करोड़ से ऊपर का सट्टा, जिसका संचालन आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। भगवान शंकर को ऐसे आसानी से ना ले और बात बात में चित्र दिखाने की कोशिश ना करें। राहुल गांधी जी, आपने जो शुरुआत की है, आपने जो जिस प्रकार से हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो आपने जो हिंसक कहा है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी के सामने इस सदन में रखना चाहता हूँ। क्या हिंदू हिंसक हो रहा है? भाजपा हिंसा की बात करती है, इस हिंदुस्तान के अंदर हिंसक कौन फैला रहा है? कितना हिंसक हिंदू समाज हुआ है? कितना हिंसक ये तथाकथित शांतिप्रिय समाज है? ये पूरा भारत जानता है। क्या कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या हिंदू समाज की भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान के अंदर वो कन्हैयालाल टेलर की हत्या गला रेत करके क्या हिंदू समाज ने की थी? क्या हिंदू समाज है जो अलग अलग जगह पर हंगामा खड़ा कर रहा है? जिस तरीके से घटनाएं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, राहुल गांधी जी, आपने जो सवाल किया है, जम्मू कश्मीर में बम विस्फोट करने वाला किस समाज का है? जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले वो किस समाज से आते हैं? समाज के अंदर चिल्ला चिल्ला करके ये फिलिस्तीन की जिंदाबाद के नारा लगाने वाले ये किस समाज के हैं? सांसद के अंदर आपने शुरुआत की है, सांसद के अंदर चिल्ला चिल्ला करके आपने जिस प्रकार की बातें की है, यहाँ की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की गई है, मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की गई है, किंतु हमारी यह उच्च परंपरा रही है, इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी जी, ये संसदीय पाठ क्या पढ़ा है? आज आपने जिस प्रकार से हिंदुत्व का अपमान किया है, आपने जिस प्रकार से ये कल जो शुरुआत कही है, और आपके ही पार्टी के एक उत्तर प्रदेश के सांसद ने जो कहा है, उन्होंने छत्तीसगढ़ की बात की है, इमरान मसूद छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग की बात कही है, मैं सदन के सामने बताना चाहता हूं वो क्या काम करने के लिए गए थे, आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में? और कैसे रात के अंधेरे में वो नदी में कूद गए? आप ये फालतू बात ना करें, छत्तीसगढ़ के साझा के अंदर जिस प्रकार की मॉब लिंचिंग पूर्व मुख्यमंत्री के समय हुई है, आप उसकी बात को बताएं। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं कि जब हिंदुत्व की बात होती है, तब अटल जी की वो पंक्तियां याद आती है,
हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया, भूप पर पै पी कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ तो विस्पीकर, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतर स्थल है विशाल, जग के ठुकराए लोगों को, लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योतित, पर कियो का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए, कल वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, यानी ये हिंदू हिंदुस्तान का परिचय है, होकर स्वतंत्र कब चाहा है, होकर स्वतंत्र कब चाहा है, मैंने कर लू जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है, करना निज के मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर मैंने कब अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया, भूभाग नहीं सत सत मानव की हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, ये हिंदुत्व है। और आपने हिंदू को, हिंदू समाज को, हिंदुस्तान को आपने बदनाम करने की कोशिश किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो काम किया है। ये यदि मैं ये कहूँ कि मोदी जी हैं तभी वो मुमकिन है, और वो काम की शुरुआत नहीं बल्कि डिलीवरी हुई है, जिन्हें पूरा करना ही असंभव लगता था, मोदी जी हैं तभी वो गुंजाइश भी अभी भी बनी है। कश्मीर में मोदी जी ने असंभव को संभव कर दिया, ये वो काम है। चीन को भी पीछे छोड़ दिया, दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा रहा है, ऐसा काम बड़े पड़ोसी देश भी कहीं मुकाबले में नहीं है। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अध्यक्ष महोदय, कश्मीर का वो चिनाब रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, रेल ब्रिज न बनकर तैयार है बल्कि ट्रेनें दौड़ा कर देखी जा चुकी है, ट्रायल हो चुका है, पहले से नारे लगाते रहे हैं। हम कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी है, किंतु सार्थक करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, ये प्रोजेक्ट जिसके निर्माण पर पूरी दुनिया की निगाह थी, माननीय मोदी जी ने पूरा किया। भारत ने कर दिखाया है, पूरी दुनिया भारत की लोहा मान रही है। अध्यक्ष महोदय, नदी की सतह से स्कूल की ऊंचाई 359 मीटर है, पुल एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है, जहां लोग फोटो खिंचाने जाते और बड़ा नाम लेते हैं उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। हमारे देश के कुतुब मीनार से ये 5 गुना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने हर मुश्किल को संभव किया है, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना काल में, महामारी में, अंतर्राष्ट्रीय बीमारी पर पूरी दुनिया, जी मैं बस 2 मिनट में खत्म करता हूँ, त्राही त्राही बची थी। विदेश के लोग कहते थे कि भारत में इतनी बड़ी आबादी है क्या होगा, किंतु इस कोरोना के तूफान से भी राष्ट्र की कश्ती को सुरक्षित बाहर निकालने का काम यदि किसी ने किया तो वह है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कोविशील्ड कोवैक्सीन का निर्माण ही नहीं कराया, संसाधन मुहैया कराए, लैब के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित देते रहे, देश में 300 करोड़ से अधिक डोज लोगों को वैक्सीन मुहैया कराया। इतना ही नहीं, दुनिया के देशों को भी सब प्रकार की उन्होंने सुविधाएं दी। इस पीरियड में आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को नहीं छोड़ा। अध्यक्ष महोदय, उस तरफ बैठने वाले नहीं चाहते, ये चाहते ही नहीं थे ये वैक्सीन भारत में निर्मित हो, और ये तो फाइजर की वकालत कर रहे थे, विदेशी कंपनियों की वकालत कर रहे थे, सेंट्रल विस्टा का भी ये निर्माण नहीं चाहते थे, ये GST का कलेक्शन नहीं चाहते थे, ये डर्टी पॉलिटिक्स इनके रक्त में है। माननीय प्रधानमंत्री जी हार नहीं मानने वालों में से है, उन्होंने गतिरोधों को दूर किया, नए ऑक्सीजन प्लांट,
मुफ्त में टीकाकरण, ऑक्सीजन रेल ने ताकत दी, नए वेंटिलेटर का निर्माण, नए हॉस्पिटल का निर्माण। देश में कोविड टेस्टिंग सेंटर एक हुआ करता था, हजारों कोविड सेंटर स्थापित किए, पीपीई किट नहीं बनता था। आज हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुए, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाए, कॉरिडोर बनाया गया, एयरपोर्ट ने टैंकर लिफ्ट किए, क्रायोजेनिक से लाने की बात की गई, और इसमें पीएम केयर फंड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम किया, कहां तो तय था। मैं ये कहूंगा कि आज जिस प्रकार से गरीबों की केवल चर्चा करते रहे, किंतु यदि गरीबों की, मजदूरों की और अंत्योदय की यदि कोई सरकार हुई तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुई, जिस पर आज देश पूरा गर्व कर रहा है। आपने मुझे अवसर दिया, इतना ही कहते हुए, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पेयजल के क्षेत्र में हो, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए यदि कोई काम किया तो माननीय मोदी जी ने किया है। मैं राष्ट्रपति जी के उस अभिभाषण पर धन्यवाद रखते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।